अच्छी सी कर रखी थी, तो मेरा भी मन कर गया, मैंने कहा चल खरीद के देखती हूँ इसके अंदर है क्या। ऊपर बाहर मक्के की फोटो बनी हुई है और ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग है इसका। अगर प्राइस इसका रेट जो है ना, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ, तो ये 25 रुपए का मुझे मिला है। इसका जो MRP है 25 रुपए का है ये, और इसका जो वजन है वो लगभग 100 ग्राम के लगभग का ये है। ठीक है, तो खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद इस पे चर्चा करके दिखाऊंगी। तो पहले खोल लेती हूँ इसको। ये इसके अंदर से जो निकला है भाई वो है, हाँ ध्यान से खोलू, ये निकला है इसके अंदर से, ये कुछ मक्के के दाने हैं जो इस पैकेट में से निकले हैं, उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली है ये पैकेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये कुछ मक्के के दानों के जो इसके अंदर से निकले हैं। अब ये मैंने खरीदा लगभग 25 रुपए का 100 ग्राम, तो आप मुझे ये बताओ कि इतने से मक्के के दाने, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ अच्छे से, ये पूरा पैकेट देख पाओ, ये इतने से 100 ग्राम मक्के के दाने के मेरे किसान भाइयों को आखिर कितना पैसा मिलता है? अगर वो इतना सा मक्के के दाना 125 रुपए में बेचते हैं, फिर तो वो बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। ये दो पैकेट इन लोगों ने यूज करे, आई थिंक 2 रुपए का इसका रेट होगा, 2 रुपए इस पैकेट का रेट होगा, और इसके अंदर जो मक्के है उसका जो किसान भाई को मिला है वो लगभग 2 से 2.5 रुपए किसान भाइयों को मिला है। बाकी 2-2 रुपए की ये पैकेजिंग, मतलब सामान देखा जाए तो लगभग 6-6.5 रुपए का या ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए का सामान होगा, और इसका हमने कितना चुकाया, 25 रुपए। मक्के की अगर बात करूं ना, तो हमारे हरियाणा में तो इसकी खेती थोड़ी सी कम होती है, बाकी अदर स्टेट्स में इसकी खेती अच्छी भली होती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे हरियाणा में तो ये सिचुएशन है, हम अगर हमारे यहाँ खेतों में करते भी है ना, तो भैंसों वैसों को खिला देते हैं, बेचने का तो सोचते ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि इसके तो दाम ही इतने कम मिलेंगे और इस पे हम इतना टाइम वेस्ट करें, तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, वैसे भैंसे वैसों को खिला के अपना काम वाम कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इसे अच्छे से पैकेजिंग में और अच्छे से इस कवर में डाल के, इसका अच्छा सा नाम रख के, स्वीट कॉर्न नाम रख के, ऊपर वेजिटेरियन का टैग लगा के, इसे हमें बेवकूफ बना के जो है वो इतने महंगे दामों पर, कई गुना ज्यादा जितने की इन्होंने ये किसान से खरीदा उससे कई गुना ज्यादा महंगी ये हम लोगों को बेच रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं ना, अगर नॉर्मली अभी सबके शहर में वो बड़ी बड़ी पिज्जा की कंपनियां है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके ऊपर लिखा होता है 30 मिनट में आपको पिज्जा मिलेगा, अगर मैं उनकी बात करूं, क्योंकि आप और मैं हम सब खाते तो हैं, जाते तो है ना हम लोग वहां पे, अगर मैं उन कंपनियों की बात करूं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, हम जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं अपने लिए, तो वो बोलते हैं कि बहन मैम आपको टॉपिंग में क्या करते हैं वो लोग, हम लोग जैसे ऑर्डर करें, मेरे जैसा कहता है भाई चलो भाई पिज्जा तो हम अनहेल्दी खा रहे हैं, टॉपिंग जो है वो स्वीट कॉर्न की, मतलब मक्के की, उसके ऊपर करा लेते कुछ हेल्दी हो जाएगा। उस पे वो चंद मक्के के दाने डालते हैं, आप गिन सकते हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, आप खुद भी खा चुके होंगे या कभी खाने जाएं तो आप उस पे गिन सकते हैं कि कितने दाने हैं। लगभग वो उस पे 10 से 12 दाने डालेंगे और उसके हमसे 80 रुपए तक चार्ज करते हैं। मतलब आप सोच रहे हो 10-15 दाने के 80 रुपए, अगर वही 10-15 दाने के 80 रुपए मेरे किसान भाइयों को मिलते तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन क्या है, मेहनत हम कर रहे हैं, दिन रात खेतों में हम खड़े हो रहे हैं। ये जो मक्के की खेती है ये कम पानी में की जाती है, थोड़ा जिस तरह से मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इसका पता है, ये कम पानी में खेती की जाती है, अगर ज्यादा पानी डल जाए तो इसकी खेती खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर तेज बारिश या तेज कुछ तूफान वगैरह आए तब भी इसकी खेती खराब हो जाती है। तो बड़ी मेहनत वाली खेती होती है इसकी, और हमें इसका जो दाम मिलता है वो कितना कम मिलता है, और जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अच्छी सी 2-2 रुपए की पैकेजिंग करके, 4 रुपए की पैकेजिंग करके हमसे कितना पैसा लूट लेती हैं, और उसके बाद फिर अब कुछ भाई आगे पता क्या कहते हैं, नहीं दीदी आपने तो ये सस्ते में खरीद लिया, मतलब वो जो है ना, वो उनके दिमाग में हर चीज की एक मिथ बन गई है कि नहीं नहीं महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो जा ली। इसके अलावा और बताऊं, सरसों का तेल भी खरीद के लाई हूं, बड़ी अच्छी कंपनी का खरीद के लाई थी, तो उसका दाम जो है वो लगभग 250 रुपए पर लीटर,
मतलब एक लीटर सरसों का तेल जो है वो लगभग 250 रुपए का मिल रहा है अभी बाजार में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही, आप लोग भी आम लोग हो, मेरी तरह नॉर्मल फैमिलीज में रहने वाले हो, आप लोगों ने भी खरीदा होगा, नहीं खरीदा तो एक बार दुकान पे जाके वैसे ही रेट पूछ लेना, अच्छी कंपनियों का रेट पूछना, तो लगभग 250 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और उसका मेरे किसान भाइयों, क्योंकि सरसों की खेती ऑलमोस्ट हरियाणा पंजाब दोनों जगह पे होती है, उसका मेरे किसान भाइयों को क्या मिलता है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार है।